Hello children, welcome back to your English classes. Today we are going to practice free strokes of curve. Okay, curve, what is curve? Na? C curve, U curve, ye sab kya hai? Aise board jaisa banta hai, isko hum kya bolte hain? Curve bolte hain. Theek hai, to hame kaun kaun se karne hain? C curve, theek hai, inverse C curve. What is inverse? Inverse kya hota hai? Ulta, theek hai. आपको उल्टा सी लिखना है, ठीक है? पहले सीधा फिर उल्टा. अगेन यू कर्व देन इनवर्स यू कर्व, है ना? यू कर्व और उल्टा यू कर्व बनाना है. तो हम देखिए इसको कैसे बनाना है. विल स्टार्ट विद द सी कर्व. ओके, सो मैम ने आपको लाइन बताया था कल की क्लास में, ठीक है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है? फोर लाइन में फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फोर्थ. सी कर्व कहाँ बनेगा? सेकेंड और थर्ड लाइन के अंदर, बाहर हमको निकलने नहीं देना है, ठीक है? तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? फ्रॉम, बिल्कुल सी के नीचे आना चाहिए, ठीक है? फ्रॉम द सेकेंड लाइन मूव स्ट्रेट देन कर्व इट, थोड़ा सा घुमाना, then straight, ठीक है? Straight on the third line, second line से हम लेके गए, then नीचे लेके आए और third line में उसको curl कर दिया, ठीक है? Okay, so start from second and stop on third line. Same way उसी के नीचे नीचे आपको बनाना है, ठीक है? कैसे? Start from second line, stop on the third line. फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड और थर्ड के बीच में अपन को बनाना है. स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड लाइन, ठीक है? स्ट्रेट जाना है, कर्ल इट एंड देन अगेन स्ट्रेट ऑन द थर्ड लाइन, है ना? दिस इज हाउ यू हैव मेड सी कर्व. सी कर्व बना लिया. अब हम क्या करेंगे? इनवर्स सी कर्व, मतलब उल्टा सी कर्व बनाएंगे, ठीक है? कैसे बनाना है हमें, ठीक है? अब हमें यहां से सेकेंड लाइन से किस तरफ जाना है? राइट साइड, ठीक है? यहां पर हम लेफ्ट साइड से गए, है ना? लेफ्ट से लेकर हम आए, है ना? और लेफ्ट पे ही स्टॉप करना है. उसी तरह यहां पर हम राइट साइड जाएंगे और यहां पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है? इसको लेकर आना, बिल्कुल नीचे आना चाहिए. सेकेंड लाइन से स्टार्ट, ओके? सेकेंड लाइन स्टार्ट, गो स्ट्रेट, कर्ल इट, टच द थर्ड लाइन एंड देन कर्व इट एंड स्टॉप इट, ओके? तो कहां से स्टार्ट, किस डायरेक्शन में बनाना है अपन को इसको? राइट डायरेक्शन में. सी को लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है? अगेन फ्रॉम द सेकेंड लाइन, फर्स्ट सेकेंड टू द थर्ड लाइन, ना? कौन से डायरेक्शन में जाएगा ये? राइट से आएगा, ठीक है? यहाँ से लेफ्ट से राइट को जाएगा और फिर आके अगेन वहीं पर स्टॉप करना है आपको. अगेन द सेम वे यू हैव टू मेक फ्रॉम सेकेंड लाइन, ओके? फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड से थर्ड तक. फ्रॉम सेकेंड यू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन curl it, come down, touch the third line and stop it on your third line, ठीक है? Second से third line तक. Same way, you also you have to write in between of the second and third line. तो आपको क्या करना है? You को भी second और third line में लिखना है. कहाँ से start होगा आपका? Second line से. Second line से आप नीचे लेके आओगे सीधे सीधे. You will curl it. कैसे करोगे? Curl करोगे, थोड़ा सा मोड़ोगे, ठीक है? Curl करके इसको ऊपर ले जाओगे. अगेन आपको कहाँ स्टॉप करना है इसको? सेकेंड लाइन, ठीक है? सेकेंड लाइन से स्टार्ट करके सेकेंड लाइन पर ही स्टॉप करना है. देखिए हाउ टू मेक आपको मेके, ओके? जस्ट उसके नीचे आना चाहिए. फ्रॉम देयर यू हैव टू स्टार्ट, ओके? फ्रॉम सेकेंड लाइन कम डाउन, टच द थर्ड लाइन, मूव अप एंड टच द सेकेंड लाइन. दिस इज हाउ यू हैव टू मेक द यू कर्व.
शुड नॉट कम आउट ऑफ योर सेकेंड एंड थर्ड लाइन, है ना, इनमें से कोई भी सेकेंड और थर्ड लाइन के बाहर नहीं आए. सेम वे फ्रॉम सेकेंड लाइन यू हैव टू स्टार्ट, कम डाउन, कर इट एंड देन गो अप एंड टच द सेकेंड लाइन. कम डाउन, टच द थर्ड लाइन, गो अप एंड टच द सेकेंड लाइन. ओके, सेम वे here also from the second line you have to start, okay, touch the third line, go up and touch the second line. Okay, so this is how you have to make the U curve. Now U curve हो गया, अब हम inverse U curve बनाएंगे, मतलब उल्टा U curve. ठीक है, तो उल्टा U curve कैसे बनाना है, कहाँ से बनाना है, third line से. First, second, third, ये कौन सी लाइन है, थर्ड लाइन आपकी, लाइन नंबर थ्री को क्या बोलते हैं, थर्ड. तो थर्ड लाइन में आपको स्टार्ट करना है, कैसे, थर्ड लाइन से आप इसमें नीचे गए यू में, आप इनवर्स उल्टे इनवर्स यू में कैसे जाओगे, ऊपर जाओगे. थर्ड लाइन गो अप, टच द सेकेंड लाइन, कम डाउन एंड अगेन यू टच द थर्ड लाइन. ओके, अगेन सेम वे उसी के नीचे आना चाहिए. From third line again you go up, touch the second line, come down and touch the third line. Start from the third line, first, second, third. ठीक है, third line से आपको start करना है, फिर second line पे touch करना है और again उसको लाके third line पे stop करना है. ठीक है, third line go up, touch the second line, then come down and touch the third line. Third line से second line, then you come down and touch the third line. So this is how you have to make C curve, inverse C curve, U curve and inverse U curve in your English copy. You have to make your video. You have to send the pictures of your English copy in our class group. Okay, children, thank you. Bye-bye.